कलर अभी अभी इनको वो करूंगा थोड़ा सा, मतलब ऐसे वो तो वो पहनाते ना जेवर वेवर पहनाते हैं, वो गोल्ड का कुछ करूंगा। हाँ 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 अंकल मैं कितना मिस कर रहा हूँ, वाही कल आया था, वाही भी मेरे को बोल रहा है उसका भी मतलब उसने भी दो साल से नहीं रखे। हाँ मतलब राकेश तो गया, लेकिन मैं और वाही को हम लोग तो सर करा दी है। Thank you.
चले चले सर, हम जानते हैं कि आपके पास ढेरों टैलेंट है, लेकिन गणपति बाप्पा को आप खुद अपने हाथों से बनाते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जरा कुछ बताइए कि ये देखिए ये जो है ये मेरे लिए एक तो मेरे दिल के बहुत करीब फेस्टिवल, और दूसरा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए भी इज़ बिकॉज आई थिंक इसके ज़रिए मेरा ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि हम इस फेस्टिवल की आड़ में जितनी भी सारी चीज़ें करते हैं थिंकिंग कि हम एक त्यौहार मना रहे हैं, वी डोंट रियलाइज़ कि हम अपने एनवायरनमेंट को कितनी तकलीफ दे रहे हैं। एंड आई थिंक मेरी दिली तमन्ना, दिली ख्वाहिश सिर्फ यही है कि मेरे साथ साथ ऐसे कई सारे लोग हों जो इसको देखकर थोड़े से भी इंस्पायर हो, थोड़े से भी मोटिवेट हो और इसको ना इसको अपना ले अपने जीवन में, ताकि हर घर में दिस कुड बी सालाना का एक ऐसा इवेंट जहाँ पे सबके सब मिलके मूर्ति हाथ से बनाएं और उसकी पूजा करें। इट बिकम्स अ रिचुअल। सर, आप कितने सालों से ये रिचुअल निभाते आ रहे हैं? मुझे हो गए हैं कुछ 20 साल, ये मेरा 20th ईयर है। जब मैं 12 साल का था, 11 साल का था तब मैंने पहली बार अपने गणपति रखे थे। मुझे सिंपल है, ये वो लाल मिट्टी है जिस मिट्टी से हम गमले में जो चीज़ें भरते हैं या मटका बनाते हैं वो वाली मिट्टी, और मुझे 3 दिन लगे इस मूर्ति को बनाने में, एंड आज मैं पेंट करके मैंने कल से आज मैं इसको तैयार कर दिया। इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, और कोई भी बना सकता है। आपने आसपास जितनी भी मूर्तियाँ देखी, हमारे पड़ोसी अंकल आंटी हैं, हमारी फ्रेंड पूजा है, इन्होंने ये पहली बार मूर्ति बनाई है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट शी इज़ मेड समथिंग लाइक दिस, तो बहुत ही आसान है दोस्त, कोई भी कर सकता है। दोस्तों कोई टिप नहीं है, सिंपल सी टिप है, मिट्टी घर ले आओ और बस मिट्टी घर ले आओ और शुरू हो जाओ। इट इज़ वेरी इजी, आप अपने आप सीख लोगे, अपने आप बन जाएगा और धीरे धीरे करके ना इट विल बिकम योर ओन। ना इमेजिन कि जब गणपति बापा का जो गणपति बापा आए कैसे थे, पार्वती माँ ने अपने आंगन की मिट्टी से उन्हें बनाया था, मिट्टी से उन्हें आकार देकर उनको जीवित किया था। तो हम पार्वती माँ से बड़े हैं क्या? हम कौन है जो मार्केट में जा रहे हैं मूर्तियाँ लेने के लिए, हम उस चीज़ को फॉलो क्यों नहीं कर रहे? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डू द सेम। तो इस चीज़ को अपनाएं और इस चीज़ को जीवन में थोड़ा सा महत्व दें, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इको फ्रेंडली बापा भी यहाँ पर तो कुछ बताना चाहेंगे इको फ्रेंडली के लिए, क्योंकि लोग जो है दोस्तों ये सारा जितना भी यहाँ पे आप देख रहे हैं सब सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आई वॉन्ट टू यू नो प्रमोट दिस एंड रियली पुट दिस आउट देयर कि हमें इको फ्रेंडली होना पड़ेगा। हमारे पास ये एक ही जहान, एक ही धरती बची है, जिस धरती पे जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं
towards global warming or towards a disaster, हम ज़्यादा दूर नहीं हैं प्रलय से, इनके पिताजी की तीसरी आँख खुलने से ज़्यादा दूर नहीं हैं हम. तो इससे पहले कि ऐसा कुछ हो जाए, हमें अपने आप को थोड़ा संभाल के और यू नो आराम से और अच्छे से पेश आना पड़ेगा धरती माँ के साथ. सर, प्रिपरेशन एंड डेकोरेशन की बात करें कि इस मतलब इस टाइप की मूर्ति पे एकदम इको फ्रेंडली है, नॉर्मली तो एकदम सादा सिंपल ही सूट करता है, लेकिन आपने किस तरह की तैयारी की है? मैंने सिर्फ इसको सजाने के लिए, मैं क्योंकि देखो मूर्ति क्या होती है कि मूर्ति हम घर में ही विसर्जित करते हैं, तो ये मैं ये सब छोटे छोटे बीच और ये सब ऐसे अपने हाथ से, और ये ग्लू आता है, इस ग्लू से हम, ये भी इको फ्रेंडली ग्लू है, दिस इज़ नॉट ग्लू, ये एक्चुअली वैक्स है. तो ये वैक्स से क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को चिपका सकते हो, तो इसमें ग्लू भी नहीं यूज़ होता है, इसमें इको फ्रेंडली कलर्स हैं सब कुछ. सिर्फ यही है कि ये जो मोती वगैरह ये सारी चीज़ें ये जब आप विसर्जित कर जाते हैं ये पिघल जाता है, तो पानी फेंकने से पहले आप इन चीज़ों को निकाल के अलग कर दें. बस ये सजाने के लिए मुझे अच्छे लगते हैं थोड़े से, ताकि वो पप्पा भी थोड़े अच्छे दिखें, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं. आपने देखी कि नहीं? बिल्कुल, कंप्लीट कर ली. कैसा लगा? सुपर, थैंक यू मेरी जान, थैंक यू. कुछ कहना चाहेंगे आप जिस तरह से लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं? मैं बस कहूँगा थैंक यू, मतलब जिन जिन लोगों ने इतना सारा प्यार दे रहे हैं हमारे शो को, कार्टेल देखा जिन्होंने, और जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ आगे देखो, एम एक्स प्लेयर गोल्ड और ऑल्ट पे रिलीज़ हो चुका है, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत अप्रिसिएशन है, आई कांट बिगिन टू थैंक हिम, आई कांट क्योंकि इनका ही है जो भी किया कराया दोस्त, इन्होंने यहाँ तक ला के खड़ा किया, इन्होंने बनाया, जो हूँ इनकी वजह से, और बस यार गणपति बप्पा मंगल मूर्ति. थैंक यू.